पहले तो ये लर्निंग आउटकम्स इस प्रेजेंटेशन की क्या है, हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लेंस क्या है, फिर हम टाइप्स ऑफ लेंसेज देखेंगे, फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या है, बेस कर्व के अकॉर्डिंग क्या है, उसके बाद एक ये सिंगल कट मेनिस्कस लेंस होते हैं इसको देखेंगे, लेंटिकुलर लेंस को देखेंगे, एफकिक लेंस को देखेंगे, और शेप्स के मुताबिक लेंसेज के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मैसेज किया है मैंने, तो फोटो है। अच्छा, सबसे पहले लेंस। लेंस क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉर्डर्ड बाय टू कर्व्ड सर्फेसिस विच हैव ए कॉमन एक्सिस। लेंस के लिए पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि ये कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। माइक्स बंद कर दें काइंडली। पहली चीज़ लेंस में हमारे पास क्या चीज़ है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसके लिए ज़रूरी है कि लेंस हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्यों होना इसके लिए ज़रूरी है? क्योंकि लेंस का बेसिक पर्पस क्या होता है, इसमें रिफ्रैक्शन करनी होती है। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट पास नहीं होगी, लाइट पास नहीं होगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बॉर्डर बाय टू कर्व्ड सर्फेसिस विच हैव ए कॉमन एक्सिस। इसका मतलब है लेंस की दो सर्फेसिस होती हैं जो हमारे पास कैसी होंगी? कर्व्ड होंगी। और ये मीडियम कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है लेंस की कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बॉर्डर बाय टू कर्व्ड सर्फेसिस विच हैव ए कॉमन एक्सिस। तो ये हमारे पास बेसिकली लेंस ब्लैंक होता है। लेंस इस तरह का बना हुआ होता है लेबॉरेटरी से, फिर हम उसकी कटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू जिस फ्रेम में हमने फिट करना हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेंस फॉर्म्स। अब लेंस की फॉर्म के बेसिस पे हम इसे किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं? द टोटल पावर ऑफ ए लेंस कैन बी अचीव्ड बाई कम्बाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्ड सर्फेसिस एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ लेंस। अब जो लेंस की हमने बात की, दो सर्फेसिस होती हैं, उन्हीं दो सर्फेसिस को अगर हम कंबाइन करें तो उससे हमारे पास क्या मिलती है? हमें टोटल पावर ऑफ द लेंस। हम बात कर रहे थे लेंस फॉर्म्स की ना, तो लेंस फॉर्म डिफरेंट, हम दो सर्फेसिस को कंबाइन करते हैं और उससे पावर निकालते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से इसमें हैं, किस तरह करते हैं, पहले मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, फिर हम वापस इस पे आते हैं। ये देखें, ये आपने शायद पहले भी पढ़ी हो। तो पहले तो हमने लेंस फॉर्म की बेसिस पे ब्रॉडली दो में डिवाइड किया, एक माइनस लेंसेज हमारे पास आ गए और दूसरे हमारे पास आ गए प्लस लेंसेज। प्लस लेंसेज में फिर हमारे पास एक होता है प्लेनो कन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन होगी और दूसरी सरफेस हमारे पास कन्वेक्स होगी। फिर हमारे पास बाई कन्वेक्स आते हैं जिसकी दोनों सर्फेसिस कन्वेक्स हैं। फिर हमारे पास मेनिस्कस आते हैं जिसमें एक कनकेव होगी और दूसरी हमारे पास कन्वेक्स होगी। इसी तरह माइनस लेंसेज में हमारे पास मेनिस्कस है, एक प्लस है और एक माइनस। बाई कनकेव में दोनों कनकेव शेप्स होंगी, प्लेनो कनकेव में हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, दूसरी कनकेव शेप है। कि लेंस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, एक हमारे पास फ्लैट लेंसेज होते हैं, दूसरे हमारे पास कर्व लेंसेज होते हैं। अब फ्लैट और कर्व लेंसेज क्या हैं, ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। फ्लैट लेंसेज क्या हैं? दीज आर द अर्ली लेंस फॉर्म्स सेल्डम एम्प्लॉयड टूडे। ये बहुत पहले इस्तेमाल होते थे, अब इस्तेमाल नहीं होते। इस तरह आपको एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि अर्ली लेंस फॉर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, तो वो हमारे पास फ्लैट लेंसेज हैं। फ्लैट लेंसेज आर यूज इन स्पेक्टिकल्स ओनली इन एक्सेप्शनल केसेज एज इन हाई माइनस पावर्स। फ्लैट लेंसेज सिर्फ हम यूज़ करते हैं हाई माइनस पावर्स के केसेज में, और उसमें भी हमारे पास इसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ एब्रेजन्स आती हैं। तो फ्लैट लेंस जो है ये आज के दौर में रिकमेंडेड नहीं है। कब यूज़ होते हैं? सिर्फ हम यूज़ करते हैं हाई माइनस पावर्स की केसेस में, क्योंकि वहाँ हमारी मजबूरी हो जाती है ये लेंसेज, फ्लैट लेंसेज इस्तेमाल करना। और इसमें मसला क्या है, इसमें एब्रेजन्स हमारे पास बहुत होती हैं। माइक जिसका खुला हुआ है वो काइंडली बंद कर दें। अब फ्लैट लेंस, किस लेंस को फ्लैट कहेंगे उसकी अब ये पढ़ लेते हैं। व्हेन बोथ इट्स सर्फेसिज हैव गॉट सेम टाइप ऑफ कर्वेचर। अब सेम टाइप ऑफ कर्वेचर से क्या मुराद है? कोई बोलना चाहिए या चैट बॉक्स में लिखना चाहिए कि सेम टाइप ऑफ कर्वेचर से क्या मुराद हुआ? अच्छा, सेम टाइप ऑफ कर्वेचर हमारे पास ये होता है कि एक साइड अगर हमारे पास कन्वेक्स है तो जो पिछली साइड है वो भी कन्वेक्स हो, या फिर एक साइड हमारे पास कनकेव है तो दूसरी साइड भी हमारे पास कनकेव ही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट लेंसेज। जो यहाँ बच्चे कॉल्स कर रहे हैं उन्हें कहें वो आप तो वो निकल के एडिट नहीं हो सकते, ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ वो सुन लें दोबारा, फ़िलहाल वो आप दोबारा एंटर नहीं हो सकते। तो फ्लैट लेंसेज की बात आप लोगों को क्लियर हुई? फ्लैट लेंसेज वो हैं जिसमें दोनों सर्फेसिस का सेम टाइप ऑफ कर्वेचर है, आइदर प्लस में है या फिर माइनस में है। या दूसरी हमारे पास क्या है इसमें कैटेगरी, हम फ्लैट लेंसेज में किसको इंक्लूड करते हैं? वन सर्फेस इज़ फ्लैट
एंड द पावर इज ग्राउंड टू द अदर सरफेस. जैसे प्लेनो कन्वेक्स हो गया, प्लेनो कनकेव हो गया, ये लेंजेस भी कौन से हैं? फ्लैट लेंजेस. तो फ्लैट लेंजेस में दो टाइप्स आ जाती हैं. एक ये होगा कि बाई कन्वेक्स हो गए, या फिर हमारे पास बाई कनकेव हो गए, या फिर हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स हो गए, या फिर हमारे पास हो गए प्लेनो कनकेव. तो इनको हम कहते हैं फ्लैट लेंजेस. बहुत पहले इस्तेमाल होते थे, अब इस्तेमाल नहीं होते. आपको एमसीक्यूज़ में यूँ आ सकता है कि एक लेंस है जिसकी दोनों सर्फेसिस कनकेव हैं, तो उसे हम कौन से लेंस में शुमार करेंगे? तो वो हमारे पास फ्लैट लेंजेस होगा. यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ फ्लैट लेंजेस का, या कोई क्वेश्चन है, या कोई बात समझ नहीं है तो बता दे, मैं रिपीट कर लूँ. सर ये वाला बात समझ नहीं आया, थोड़े दोबारा समझाइए। अच्छा, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ. इसमें यह है कि मेरे पास एक लेंस की, हमने कहा ना, दो सर्फेसिस होती हैं. तो अब यह है कि एक सर्फेसिस पे मैं पावर डाल दूँ +2, लेट्स सपोज, और दूसरे पे डाल दूँ +6, तो टोटल इस लेंस की पावर मेरे पास क्या आएगी? +8. तो अगर अब इस एग्जांपल में आप देखो, तो इसके इंटीरियर सरफेस कैसी हुई? कन्वेक्स हुई. पोस्टीरियर सरफेस कैसी हुई? वो भी कन्वेक्स है, +6 लिखे. तो दोनों सरफेस के जो कर्वेचर्स हैं वो कन्वेक्स हैं, तो सेम टाइप ऑफ कर्वेचर है. तो इसको हम क्या कहते हैं? ये फ्लैट लेंस हो गया. इसी तरह अगर मैं इसको -2 यहाँ कर दूँ, कनकेव साइड होगी इसके इंटीरियर, पोस्टीरियर भी -6 कर दूँ, तो पोस्टीरियर साइड भी हमारे पास कनकेव होगी, बाय कनकेव लेंस हो गया. अगेन इसको मैं क्या बोलूँगा? ये फ्लैट लेंस हो गया. या फिर मैं ऐसा एक लेंस बनाता हूँ कि उसकी एक सरफेस फ्लैट रख देता हूँ और दूसरी पे मैं पावर डाल देता हूँ. जैसे ये मेरे पास प्लेनो कन्वेक्स है, इस सरफेस पे 0 पावर है और इस पे लेट्स सपोज मेरे पास +2 पावर है, तो मैं इसको भी क्या बोलूँगा? ये फ्लैट लेंस है, कि जिसकी एक सरफेस, वन सरफेस इज़ फ्लैट, एक सरफेस फ्लैट है, उस पर कोई पावर नहीं है. दूसरी पावर जो है लेंस की, वो सारी हमने किधर डाली हुई है? दूसरी सरफेस पे, +2 हो जाए या -2 हो जाए या व्हाट सो एवर. तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट लेंसेज. तो दो तरह के, एक ये है कि सेम टाइप ऑफ कर्वेचर है, दोनों साइडें प्लस की हैं या दोनों साइडें माइनस की हैं. दूसरा ये है कि एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड हमारे पास प्लस की है या फिर माइनस की है. इनको हम क्या कहते हैं? फ्लैट लेंसेज. कुछ क्लियर हुआ अभी? ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लैट लेंजेस थे. नेक्स्ट, अब दूसरी कैटेगरी जो हमने यहाँ पढ़ी है लेंस की फॉर्म्स की बेसिस पे, वो कर्व्ड लेंजेस होते हैं. तो अब कर्व्ड लेंजेस कौन से? कर्व्ड लेंजेस का दूसरा नाम हमारे पास होता है बेंट लेंजेस, बेंड हुए में. अ लेंस इज सेट टू बी कर्व्ड व्हेन देयर इज अ कन्वेक्स कर्व ऑन वन सरफेस एंड ए कनकेव कर्व ऑन द अदर सरफेस. पीछे फ्लैट में हमने क्या बात डिस्कस की? कि अगर एक प्लस का होगा तो दूसरा भी हमारे पास प्लस का ही होगा. जैसे +2 था तो दूसरा हमारे पास +6 था प्रीवियस एग्जांपल में. इसको हमने फ्लैट लेंस का. लेकिन अगर मेरे पास ऐसा लेंस हो जिसकी एक सरफेस हो +2, दूसरी हो मेरे पास, इस एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो -6, तो ये मेरे पास बेसिकली क्या बन गया? मेनिस्कस लेंस बन गया, जिसकी एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है. इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास कौन सा लेंस है? कर्व्ड लेंस है या बेंट लेंस है, जिसमें दोनों जो सरफेसेज हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, वहाँ के कर्व्स डिफरेंट है. एक अगर कन्वेक्स है तो दूसरी कनकेव होगी. ये कर्व लेंजेस का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, या इसको रिपीट कर दूं? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट. फिर अब कर्व लेंजेस की हमने ये तो बात कर दीजिए, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया. अब उसकी कुछ टाइप्स भी हैं कर्व लेंजेस की, दो टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी है हमारे पास? नंबर वन है मेनिस्कस लेंस, और दूसरा है नंबर टू टॉरिक लेंस. मेनिस्कस लेंस क्या होता है? व्हेन बोथ सर्फेसिस आर सफेरिकल. जैसे यहाँ मैंने कह दिया एक +2 है और एक -6 है, ये दोनों मेरे पास क्या है? सफेरिकल सर्फेसिस हैं. तो इस लेंस को मैं क्या कहूँगा? मेनिस्कस लेंस. ये मेनिस्कस लेंस हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है टॉरिक लेंस. टॉरिक लेंस क्या होता है? वन सरफेस इज सफेरिकल एंड अदर इज टोराइडल इन शेप. टोराइडल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को है या नहीं? कभी ये नाम सुना है या नहीं पहले किसी प्रीवियस सेमेस्टर में? सर नाम सुना हुआ लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं है सर. अच्छा, चलिए ठीक है. मैं अभी इसका आपको कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें बोर्ड पे बंदा ज़्यादा अच्छी समझा सकता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ समझा लूँ. एक हमारे पास स्फेरिकल लेंस हो गया, जैसे ये हो गया. एक सिलेंड्रिकल लेंस होता है. सिलेंड्रिकल लेंस क्या होता है? कोई कुछ बताएगा? सिलेंड्रिकल लेंस हम किसको कहते हैं? सर एस्टिग्मेटिक करेक्शन के लिए जाती. वो तो स्टिग्मेटिक कुरेक्शन होगी ना, बट मतलब कि किसको हम बोलेंगे, किसको?
वो लेंस कैसा होगा? जैसे स्फेरिकल होते हैं ना, ऑल द अराउंड वो स्फेरिकल पावर हर जगह होती है, तो सिलेंड्रिकल सर लेंस किस तरह होती है? अच्छा चले, मैं बताता हूँ। सिलेंड्रिकल में हम ये कहते हैं कि एक मेरिडियन है जिसको हम कहते हैं एक्सिस मेरिडियन, जिस पे कोई पावर नहीं होती, और दूसरा मेरिडियन होता है जिस पे फुल पावर होती है। लेट्स सपोज ये दो सर्फेसिस थी, ये उसके एक्सिस, ये लाइन जो है ये एक्सिस है, यहाँ कोई पावर नहीं है और यहाँ फॉर एग्जांपल +2 पावर है, तो मैंने इसको क्या कह दिया, ये +2 का सिलेंडर हो गया। ये तो सिलेंड्रिकल लेंस होता है। अब अगर मैं ये जो एक्सिस वाली लाइन थी, या जो एक्सिस वाला जो मेरिडियन था, अगर इसको भी कर्व्ड बना दूं, कोनों से यहाँ से पकड़ के कर्व्ड बना दूं इस टाइप, तो ये कैसी शेप बन जाएगी? एक यूं कर्व होगा और दूसरे साथ यूं कर्व होगा। इसको अब हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टोराइडल शेप, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, टॉरिक लेंस। टॉरिक लेंस कैसे बना? कि आपने एक सिलेंड्रिकल लेंस है, उसके एक्सिस को पकड़ा और उस मेरिडियन को भी बेंट कर दिया, उसमें भी कुछ पावर डाल दी। अब उसमें पावर सेम टू सेम ये नहीं होगी जो इंटीरियर सरफेस पे है। अगर +2 ही डाल देंगे तो वो तो स्फेरिकल बन जाएगा, तो जब आप बेंट करेंगे उसका कर्वेचर कम होगा एज कम्पेयर टू जो दूसरी सरफेस है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टोराइडल इन शेप या फिर टॉरिक लेंस। कुछ क्लियर हुआ या इसको रिपीट कर दूं? अच्छा सुने, हमने बात की पहले, मेरे पास एक स्फेरिकल लेंस है ना, जैसे ये मेरे पास एक स्फेरिकल लेंस हो गया, तो इसकी हर मेरिडियन पे हर जगह पे सेम पावर थी, लेट्स सपोज +2 होगी, तो ये तो मेरे पास बन गया स्फेरिकल लेंस। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस की। सिलेंड्रिकल लेंस ये होता है कि उसके एक एक्सिस होते हैं और दूसरे जो सर्फ 90 डिग्री अपार्ट जो सर्फेस होती है वहाँ पावर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सिलेंड्रिकल लेंस है। लेट्स सपोज ये यूं हो गया ना, तो एक मेरिडियन पे +2 का कर्व आ गया, दूसरा मेरिडियन बिल्कुल प्लेन है जिस पे कोई पावर नहीं है, तो इसको हमने कह दिया कि भाई ये सिलेंड्रिकल लेंस है। अब अगर ये एक्सिस वाली जो इसका मेरिडियन है, अगर इसको भी कर्व्ड बना दिया जाए, साइडों से पकड़ के यूं कर्व्ड बना दिया जाए, तो फिर अब हमारे पास दो कर्व बन जाएंगे, एक जो पहले जो +2 वाला और एक और यूं कर्व बन जाएगा। इसको अब हम क्या बोलेंगे, ये टोराइडल लेंस शेप है या फिर टॉरिक लेंस है। अब क्लियर हुआ कुछ? ओके सर, क्लियर है सर। ठीक हो गया। तो ये तो अभी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ा था फ्लैट लेंसेज, फिर हम कर्व पे आए थे। फ्लैट में हमारे हमने क्या पढ़ा कि सेम टाइप ऑफ कर्वेचर होगा, या प्लेनो कन्वे कनकेव या प्लेनो कन्वेक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक सवाल पूछा किसी ने, सर टॉरिक लेंस को स्फेरो, जी बिल्कुल, टॉरिक लेंस हम कहते ही उस लेंस को हैं जिस प्रिस्क्रिप्शन में स्फेरिकल कंपोनेंट भी हो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट भी हो, उसको हम टॉरिक लेंस कहेंगे। लेट्स सपोज एक बंदे की प्रिस्क्रिप्शन है -2 सिलेंडर जस्ट, तो उसको आप सिंपल सिलेंड्रिकल लेंस दे रहे होंगे। अगर उसकी प्रिस्क्रिप्शन ऐसी है कि +3 के साथ -1 का सिलेंडर भी है, इस प्रिस्क्रिप्शन में स्फीयर भी है सिलेंडर भी है, तो उसको हम कौन सा लेंस बना के देंगे, टॉरिक लेंस। तो टॉरिक लेंस का दूसरा नाम हमारे पास होता है स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस। तो हम कर्व लेंजेस पे थे। कर्व लेंजेस दो तरह के होते हैं, एक मेनिस्कस था जिसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल हों, और दूसरा हमारे पास टॉरिक था। टॉरिक में हमने क्या कहा, एक सरफेस स्फेरिकल होगी, दूसरी टोराइडल इन शेप होगी। आगे देखते हैं, मेनिस्कस लेंजेस क्या थे, बोथ सरफेसिज आर स्फेरिकल, एंटीरियर सरफेस कन्वेक्स होगी एंड पोस्टीरियर सरफेस इज कनकेव। ये बात आप याद रखिएगा, हमारी जो ग्लासेस हैं मैक्सिमम मेनिस्कस लेंस की शेप में ही बनी होती हैं। उसमें क्या है कि एंटीरियर सरफेस कन्वेक्स होती है और पोस्टीरियर सरफेस कनकेव होती है। ये आपको एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि नॉर्मल ग्लासेस में पोस्टीरियर सरफेस पे कौन सा कर्व होता है, कौन सी सरफेस होती है, वो कनकेव होती है और इंटीरियर कन्वेक्स होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेंजेज हैज मेड मैस प्रोडक्शन ऑफ लेंजेज ईजियर, और दिस कैन बी प्लस और माइनस, प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन लेंस आजकल ग्लासेस में कौन से यूज़ हो रहे हैं, मेनिस्कस लेंजेस। मेनिस्कस लेंस किसके टाइप्स हैं, कर्व लेंजेस की टाइप्स हैं। नेक्स्ट पे टॉरिक लेंस, दीज आर कर्व लेंजेस वेयर वन सरफेस इज स्फेरिकल एंड द अदर सरफेस इज टोराइडल इन शेप, जैसे हमने दो स्लाइड पहले डिस्कस किया। टॉरिक लेंजेज आर यूज वेयर अ सिलेंडर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्रिस्क्रिप्शन, जब सिलेंडर भी प्रेजेंट में होगा अलॉन्ग विद सफियर, याद रखिएगा सिर्फ सिलेंडर नहीं सफियर के साथ प्रेजेंट होगा। स्फेरिकल पावर इज ग्राउंड ऑन द इंटीरियर सर्फेस एंड द पोस्टीरियर सर्फेस इज मेड टोराइडल। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्फेरिकल पावर जो होगी वो लेंस के इंटीरियर सर्फेस पे होगी, और पोस्टीरियर सर्फेस पे हमारे पास टोराइडल
टॉरिक सरफेस होगी, ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमने अभी लेंस की क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ लेंस फॉर्म की, क्या क्लासिफिकेशन थी, फ्लैट लेंसेज कर्व लेंसेज। फ्लैट में हमने क्या बात की कि दोनों का सेम टाइप ऑफ कर्वेचर होगा या फिर एक प्लेन होगी दूसरे पे कर्व होगा। फिर हम कर्व लेंसेज पे, या कर्व लेंसेज क्या हैं जिसमें सिलेंडर भी प्रेजेंट होता है, एक सरफेस कनकेव है और एक कन्वेक्स है, मेनिस्कस फॉर्म में होते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या थी कि इसमें क्या होगा, फ्रंट इंटीरियर सरफेस स्फेरिकल होगी और पोस्टीरियर सरफेस टोराइडल होगी। तो ये क्लासिफिकेशन थे लेंस फॉर्म। अब आपको अगर पेपर में यूँ सवाल आए कि सर मेनिस्कस लेंस को भी स्फेरिकल, अच्छा मेनिस्कस लेंस दो तरह के होते हैं, एक सिंपल मेनिस्कस होता है ना, जैसे मैं अगर यूँ बोलूँगा, जैसे ये प्लस टू हो गया और ये प्लस टू हो गया और ये यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस वन। अब इसको आप स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस नहीं बोल सकते, है तो ये भी मेनिस्कस बट देर इज़ नो सिलेंडर, देर इज ओनली सफियर। ये किस लेंस को मेनिस्कस बोलना है ये आप अपने पास लिख लो, ये जब हमारी मतलब इधर क्लासेस होंगी ना मैं तब आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि ये टोराइडल शेप लेंस में हम किस तरह बनाते हैं। इधर मेरे लिए ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसको आप अपने पास लिख लो कि मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा मेनिस्कस लेंस जो है वो उसको हम स्फेरोसिलिंड्रिकल बोलेंगे, क्योंकि ये ड्रॉ करके मैं ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ। तो ये हमारे पास थे लेंस फॉर्म। अब आपको यूँ अगर सवाल आए कि लेंस फॉर्म की बेसिस पे आप क्लासिफाई करें तो उसमें आप कहेंगे जी एक मेनिस्कस लेंस है और दूसरा हमारे पास टॉरिक लेंस है। नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस कर्व की। बेस कर्व का वर्ड आप लोगों ने सुना है, कुछ कॉन्सेप्ट हो कि बेस कर्व क्या होता है किसी को? ये लाइनें ना ड्रॉ करें, किसी को आइडिया हो कि बेस कर्व क्या है? सर लेंस की पोस्टीरियर सरफेस को बोलते हैं, उसके सेंटर पे। अच्छा अच्छा कोई और कुछ बोलना चाहे कि बेस कर्व क्या है? बासित हैं क्लास में अगर तो बताएं व्हाट इज बेस कर्व। सर बेस कर्व जो है वो हमने कांटेक्ट लेंस में पढ़ा हुआ है कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कांटेक्ट लेंस। ठीक ठीक तो बेस कर्व, अच्छा सिर्फ यही पढ़ा, ठीक हो गया। अच्छा कॉन्टैक्ट लेंस में पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, स्पेक्टिकल के केस में बेस कर्व इंटीरियर सरफेस पे होता है, ये याद रखिएगा। होता ये है कि दोनों साइड पे होता है ग्लासेस में, ग्लासेस में हम इंटीरियर साइड पे बेस कर्व रखते हैं, पोस्टीरियर पे भी रख सकते हैं लेकिन मोस्टली किस पे होता है, इंटीरियर साइड पे होता है। ठीक हो गया। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस के परस्पेक्टिव से देखें फिर पोस्टीरियर सरफेस पे कर्व होता है। अब बेस कर्व होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। जो लेबोरेटरी से जो लेंस बने हुए आते हैं ना उसमें यूँ होता है कि उसकी एक साइड इन पे ना पावर उन्होंने डाली होती है एक सरफेस पे, लेट्स सपोज माइनस सिक्स डाली हुई है, और पोस्टीरियर साइड जो होगी इसकी वो अनफिनिश्ड होगी। ये डिपेंड करता है आप कौन सी पावर डालना चाहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बनाना चाहता हूँ लेंस प्लस टू का, तो मुझे जो लेबोरेटरी से लेंस मिल रहे हैं वो ऐसे मिलेगा कि उसकी एक सरफेस पे माइनस सिक्स पावर दी हुई है, दूसरी मेरी मर्जी है मैं कितनी पावर ग्राइंड करूं। तो अगर मैंने एक सरफेस माइनस सिक्स है प्लस टू का लेंस बनाना है तो मैं इस सरफेस पे क्या कर्वेचर दूं, कोई गैस करेगा? जी प्लस एट दे देंगे, ठीक हो गया। तो अब जो ऑप्टिशियन होगा वो यहाँ प्लस एट पावर डाल देगा, तो नेट पावर इस लेंस की क्या बनेगी, प्लस टू। इससे हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया, पहला कॉन्सेप्ट ये लिया कि लेंजेस जो लेबोरेटरी से आते हैं उसकी एक सरफेस फिनिश्ड होती है जिस पे पावर दी गई होती है, दूसरी सरफेस अनफिनिश्ड होती है, जो जिस पावर में आपने डालना है वो पावर आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेमी फिनिश्ड लेंस ब्लैंक। इसको अपने पास लिख लें, बेशक ये तीन चार लफज हैं, लिखें सेमी फिनिश्ड लेंस ब्लैंक। और ये होते क्या है सेमी फिनिश्ड, कि इन लेंस ब्लैंक वन सरफेस इज फिनिश्ड, ये स्लैट पे स्लैश डाल के लिखेंगे, हैज ऑलरेडी ए नोन पावर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी फिनिश्ड लेंस ब्लैंक, जिसमें एक सरफेस पे पावर दी गई होगी। अब ये जो एक सरफेस पे पावर दी हुई होती है इसको बेसिकली हम बेस कर्व बोलते हैं,
बेस कर्व का वर्ड जब भी आप सुनेंगे इसका मतलब है कि कितनी कर्व है जो और लेडी लेबोरेटरी से एक सरफेस पे दी गई है एक लेंस की, दूसरे पे फिर आपकी मर्जी है। अगर आप इसी एग्जांपल को लें, अगर आपने +4 का लेंस बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस पे पावर कितनी देंगे, +10 की, ताकि नेट पावर क्या हमारे पास है, +4। तो ये बेस कॉन्सेप्ट, बेस कर्व का कॉन्सेप्ट था। बेस कर्व की बेसिस पे हमने दो में डिवाइड किए हैं लेंजेस को, एक होते हैं डीप मेनिस्कस लेंस, इसमें बेस कर्व कितना होता है 6 डायोप्टर्स का, ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है। नंबर टू हमारे पास कैटेगरी है पेरिस्कोपिक लेंस, उसमें बेस कर्व हमारे पास 1.25 का होता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है कि कितना कर्वेचर देना, मतलब उसी सरफेस की पावर कितनी। अच्छा, ये चौधरी नवीद ने सवाल पूछा कि कैसे पता चलेगा, ये डिपेंड करता है प्रिस्क्रिप्शन क्या है। एक मरीज़ है जिसके आपने रिफ्रेक्शन किया, आपने कहा कि इसको नंबर लगता है +3 का, उसको स्पेक्टिकल में चाहिए +3 का नंबर। तो जब आप ग्लासेस ऑर्डर करेंगे ना, पीछे से लेंस ब्लैंक आएगी, तो अब वो दो तरह की आती है, वो आपसे पूछेंगे जी आपको डीप मेनिस्कस लेंस चाहिए या पेरिस्कोपिक लेंस चाहिए। अगर आप कहेंगे पेरिस्कोपिक लेंस चाहिए तो उसकी एक सरफेस पे पावर कितनी होगी और लेडी प्रेजेंट, -1.25। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे जो है ना ये चाहिए डीप मेनिस्कस, तो डीप मेनिस्कस में होगा कि एक साइड पे पावर कितनी पड़ी होगी, -6। तो अब मुझे चाहिए कितनी, 3 चाहिए। अगर मैंने डीप मेनिस्कस ऑर्डर किया है तो -6 है, अब मुझे चाहिए +3, इसका मतलब है मैं पोस्टीरियर सरफेस पे कितनी पावर डालूंगा, +9। अब +9 मैंने क्यों डाली है, क्योंकि -6 को न्यूट्रल करने के लिए +6 आ जाएगा जो इस -6 को न्यूट्रल कर देगा, बाकी पीछे 9 में से 6 निकालेंगे 3 रह जाएगा, 3 उसकी कितनी होगी रिफ्रेक्टिव पावर। तो इस तरह हमें पता चलता है कि पोस्टीरियर सरफेस पे हमने कितना कर्वेचर देना, किस पर डिपेंड करता है, पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन पे। सर ये बेस कर्व, सर ये बेस कर्व, सॉरी सर, ये बेस कर्व माइनस में होगी या प्लस में भी हो सकती अच्छा, है ये प्लस में भी, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ठीक हो गया। अब ये एक लाइन लिखी है, जब हमने प्लस प्रिस्क्रिप्शन हमें चाहिए होगी ना फाइनल, जैसे +3 है, तो बेस कर्व में कौन सा सिलेक्ट करूंगा, नेगेटिव सिलेक्ट करूंगा। और इसी तरह अगर मुझे माइनस में प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तब मैं बेस कर्व कौन सा सिलेक्ट करूंगा, पॉजिटिव सिलेक्ट करूंगा, ये हमेशा उसके उलट होता है क्योंकि हमने मेनिस्कस फॉर्म में लेंस को बनाना होता है। और मोस्टली बेस कर्व किधर होता है, एंटीरियर सरफेस पे, ये एंटीरियर सरफेस इन केस ऑफ स्पेक्टिकल्स है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस की बात करें तो जो आप लोग मुझे डेफिनेशन बता रहे थे बिल्कुल सही थी, कॉन्टैक्ट लेंस में बेस कर्व हमेशा पोस्टीरियर सरफेस होगा, स्पेक्टिकल्स में एंटीरियर सरफेस है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ बेस कर्व हमने क्लासीफाई किया डीप मेनिस्कस या पेरिस्कोपिक। डीप मेनिस्कस में 6 डायोप्टर का बेस कर्व है, पेरिस्कोपिक में हमारे पास 1.25 का बेस कर्व है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगल कट मेनिस्कस लेंजेज, ये एक अलग टाइप है लेंजेज की। दीज लेंजेज आर यूज फॉर मेकिंग स्पेक्टिकल्स इन स्मॉल और मॉडरेट डिग्री ऑफ रिफ्रेक्टिव एरर्स। द स्टैंडर्ड कर्व लेंजेज आर ग्राउंड इन ए कनकेव पोस्टीरियर सर्फेस, अगेन पोस्टीरियर सर्फेस कैसी है, कनकेव। स्फेरिकल कुरेक्शन इज देन एडेड टू द एंटीरियर सर्फेस। आप बेसिकली लेंटिकुलर लेंस ये होते हैं कि जैसे अगर मैं बना रहा हूँ +10 का लेंस ना, तो +10 का लेंस तो बहुत ज़्यादा थिक होगा, थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, तो अगर मैं सादा बनाऊं तो वो हो सकता है कि इतना थिक हो। यूँ कभी आप लोगों ने ए फेक की कुरेक्शन देखी है, पेशेंट्स को जो ए फेक की हो उनकी ग्लासेस देखी है आप लोगों ने कभी, या नहीं? किसी ने देखी हो, वो काफ़ी ना इस तरह थिक होते हैं, बहुत थिक होते हैं। तो लेंटिकुलर डिज़ाइन इस वजह से आया गया था कि यार अब इतनी थिक है तो वो तो फ्रेम में फिट ही नहीं हो सकते, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास पेरीफ्री है क्यों ना हम लेंस की यूँ पेरीफ्री को काट दें या थिन कर दें। तो इस तरह लेंटिकुलर डिज़ाइन का बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था कि लेंटिकुलर लेंस क्या होगा कि पावर सारी सेंटर में हो, पेरीफ्रल जो है वहाँ वो सिर्फ कैरियर के तौर पर काम करे, वहाँ आप थिकनेस को थोड़ा कम कर दें। तो इनको हम क्या कहते हैं, लेंटिकुलर लेंसेज। एक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, फिर हम दोबारा इसी स्लाइड पे आते हैं। ये देखें, ये लेंटिकुलर लेंजेज होते हैं। स्पेक्टिकल्स में अगर आप देखें तो ये सेंटर में सिर्फ पावर है और पेरिफेरी में पावर नहीं है, वो जस्ट एज अ कैरियर है ताकि आप फ्रेम्स में उसको अच्छी तरह फिट कर सकें। अगर आप इसी को इमेजिन करें कि ये जो आपको इतना मोटा शीशा नज़र आ रहा है, अगर इसी तरह ये थ्रू आउट हो तो फिर तो इसकी फिटिंग इधर मुश्किल हो जाए फ्रेम्स में। तो इसके लिए फिर लेंटिकुलर डिज़ाइन आया कि पावर सेंटर में कर दें, पेरिफ्री में कोई पावर ना डालें, उसको एज अ सिर्फ कैरियर ही यूज़ करें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर डिज़ाइन। अब पढ़ते हैं लेंटिकुलर डिज़ाइन है क्या हमारे पास। दीज लेंसेज आर यूज इन हाई पावर्स,
हाई पावर्स में आप यूज़ करेंगे, प्लस भी हो सकती हैं माइनस भी हो सकती हैं। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस इज ग्राउंड टू हैव द पावर एंड इज कॉल्ड अपर्चर। सेंट्रल पोर्शन में पावर होगी और उसको हम क्या नेम देते हैं, अपर्चर देते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट करने लगाऊँ, ये हमारे पास होगा लेंस का अपर्चर जिसमें हमारे पास पावर होगी, और ये जो पेरिफ्री है ये मेरे पास क्या होगी, इसे हम कैरियर वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास कैरियर है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिकुलर लेंसेज। सेंट्रल पोर्शन कंटेनिंग द पावर इज नोन एज अपर्चर, और पेरिफेरल पोर्शन जिसमें पावर नहीं है उसको आप क्या बोलते हैं, कैरियर। तो दो मेन इसके पार्ट्स हैं लेंटिकुलर के, अपर्चर एंड कैरियर। पेरिफेरल पार्ट ऑफ द लेंस एक्ट एज ए कैरियर। द अपर्चर इज यूजली 30 to 40 mm इन डायमीटर। इस अपर्चर की बात कीजिए, इस ये डायमीटर कितना होता है, 30 से 40 mm। थिकनेस ऑफ द पेरिफेरल पार्ट पॉजेज अ डिफिकल्टी वाइल फिक्सिंग द लेंस टू द फ्रेम। थिकनेस जो है ऑब्वियसली वो पेरिफेरल पार्ट की जो थिकनेस होती है वो डिफिकल्टी प्रोवाइड करती है कि लेंस फिक्स नहीं हो रहा फ्रेम में। उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस डिफिकल्टी इज ऑफसेट बाई ग्राइंडिंग द पेरिफेरल पार्ट विच रिड्यूस द थिकनेस बाई 1.2 to 2 mm एंड इम्प्रूव द कॉस्मेटिक अपेयरेंस एज वेल। आप पेरिफ्री से थोड़ा सा ग्राइंड कर देते हैं, उसकी थिकनेस कम हो जाए, फ्रेम में अच्छी तरह फिट आ जाए, और वो कॉस्मेटिकली अपेयरेंस भी उसकी थोड़ी बेहतर हो जाए। स्टिल बेहतर इन्होंने लिखा तो है, बेहतर हो जाती है स्टिल, अगर किसी ने यूँ ग्लासेस पहनी होंगी तो वो कॉस्मेटिकली इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास लेंटिकुलर लेंजेस थे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा बासित इकबाल कह रहे हैं जी नहीं समझ आया। अच्छा बासित मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। लेंटिकुलर लेंस, अब मेरे पास एक मरीज है जिसको ना +10 की प्रिस्क्रिप्शन लगती है। हमें +10 का लेंस काफ़ी थिक होता है, अगर यूँ उसको स्पेक्टिकल में वो पहनेगा तो वो एक अजीब ही लगेगा। एक तो अजीब लगेगा, कॉस्मेटिक अपीयरेंस उसकी बुरी होगी, दूसरा ये होगा कि अब ये इतना थिक है तो फ्रेम भी आपको इतना खुला लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये शीशा यहाँ से फिट हो सके। तो फिर इसके लिए क्या डिज़ाइन आया गया, कहा सोचा गया कि क्यों ना पेरीफ्री को थिन कर दिया जाए जिससे ओके अपीयरेंस थोड़ी बेहतर हो जाए, थिकनेस कम हो जाए, साथ साथ जो है शीशा वो भी फ्रेम में आराम से फिट हो जाए, थिकनेस को कम कर दे। तो फिर डिज़ाइन बनाया गया लेंटिकुलर डिज़ाइन। लेंटिकुलर डिज़ाइन क्या था कि सेंट्रल पोर्शन में आपने पावर डाल दी, पेरिफेरल में सिर्फ एज अ कैरियर लेंस है जिसमें हमारे पास पावर नहीं है, वो सिर्फ फ्रेम में फिट करने के लिए जिससे कि अपेयरेंस थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेंटिकुलर लेंस, जिसमें सेंट्रल पोर्शन है जिससे पावर डाल दी, अपर्चर कह दिया, पेरिफेरल पोर्शन है पावर नहीं है उसको हमने क्या नाम दे दिया, कैरियर। अब कुछ क्लियर हुआ बासित, ठीक हो गया। तो ये तो हमने लेंटिकुलर लेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखे, अब हम इसकी कुछ टाइप्स देखते हैं। तो लेंटिकुलर लेंसेज हैं ये प्लस में भी बन सकते हैं, माइनस में भी बन सकते हैं। पहले हम प्लस पावर लेंसेज के देखते हैं टाइप्स, उसके बाद फिर हम माइनस पावर की देखेंगे। और ये हम कब प्रिस्क्राइब करेंगे, हाई में, हाई प्लस या हाई माइनस में। अब अगर आपको ये सवाल आया जाए कि किसी की प्रिस्क्रिप्शन -12 है तो आप कौन सा लेंस डिज़ाइन प्रेफर करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम लेंटिकुलर करेंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हाई प्लस है, +12 है, +13 है, तो हम प्रेफर करते हैं कि लेंटिकुलर डिज़ाइन हो। कुछ और भी लेंसेज हैं जैसे ए सफेरी के, उन्हें भी प्रेफर किया जाता है, वो आगे आएगा तो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। फिलहाल लेंटिकुलर क्यों आया ये सिर्फ समझाने के लिए बाद मैंने बताई है कि हाई डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए बनाए गए थे। टाइप में इसकी पहली टाइप है जी सॉलिड लेंटिकुलर्स, उसमें क्या है, कैरियर हैज़ गॉट कन्वेक्स स्लोप। इसमें यह है कि सेंट्रल पोर्शन हमारे पास यूँ होते हैं लेंटिकुलर, हमने पढ़ा ना सेंट्रल पोर्शन में पावर होगी और पेरिफेरल एज अ कैरियर यूज़ होगा। तो ये तो सादा लेंटिकुलर था कि सेंट्रल में हमारे पास पावर आ गई अपर्चर और इधर कैरियर। अब अगर मैं इस कैरियर को भी प्लेन की जगह कन्वेक्स स्लोप दे दूँ, इस कन्वेक्स शेप दे दूँ यूँ करके, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये मेरे पास क्या है, सॉलिड लेंटिकुलर्स, कि इसमें कैरियर जो है वो प्लेन नहीं है, वो बल्कि कन्वेक्स स्लोप पे बना हुआ। इसी तरह अगली टाइप हमारे पास है प्लेनो लेंटिकुलर्स, उसमें क्या है, कैरियर प्लेन है, अपर्चर कन्वेक्स है। उसमें क्या है, जो सही
नॉर्मल लेंटिकुलर्स होते हैं कि कैरियर हमारे पास कैसे है, सीधा है, तो कैरियर सही है, तो प्लेनर लेंटिकुलर्स। सॉलिड लेंटिकुलर्स में क्या हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पे है कैरियर, उस पर कैसे स्लोप है, कन्वेक्स स्लोप है। मिनिमम कितनी पावर पर हम लेंटिकुलर लेंस प्रिस्क्राइब कर दें करेंगे, ये 10 से ऊपर ऊपर पे ही आता है, ठीक हो गया, 10 या 10 एंड अबव। कर आप किसी में भी कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड ये होता है कि 10 या उससे ऊपर वाली पावर में करें। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सीमेंटेड लेंटिकुलर्स। सीमेंटेड लेंटिकुलर्स ये एक अलग डिज़ाइन है। इसमें क्या होता है, अपर्चर में हमने स्फेरिकल पावर डाल दी, और कैरियर जो हम ऊपर हम कह रहे थे कि कैरियर में पावर नहीं होगी, सीमेंटेड लेंटिकुलर्स में होता है कि कैरियर में आप सिलेंड्रिकल पावर लेंस की डाल देते हैं। ये एक अलग डिज़ाइन इन्होंने बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे, सीमेंटेड लेंटिकुलर्स। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफाइल लेंटिकुलर्स। प्रोफाइल लेंटिकुलर्स में क्या है, अपर्चर एज फॉलोज द सेम शेप एज वो लेंस शेप, सो दैट द अपर्चर इज मेड एज इनकॉन्स्पिशियस एज पॉसिबल। प्रोफाइल में ये होगा कि अभी हमने ये कहा था ये सेंट्रल पावर आ गई और यूँ कैरियर आ गया, तो इसमें एक एड्रप्ट चेंज है ना, जो कि कॉस्मेटिकली इतना बेहतर नहीं लगता। तो प्रोफाइल में ये था कि ये जो ब्लेंड है ये आस्ता आस्ता यूँ यूँ जाएगा इस तरह, जिससे क्या होगा कि कॉस्मेटिकली अपीयरेंस थोड़ी लेंस की बेहतर हो जाएगी, एड्रप्ट नहीं होगा बल्कि कुछ इस शेप में होगा, ये कुछ यूँ करके। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफाइल लेंटिकुलर्स। प्रोफाइल लेंटिकुलर्स क्यों बनेंगे, ताकि जहाँ अपर्चर और कैरियर के दरमियान जो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूज लेंटिकुलर्स हैं। ये क्या होते हैं, अपर्चर इज ग्राउंड ऑन द बैक सरफेस ऑफ द प्लस लेंस एंड इज फिल्ड विद अ ग्लास ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हीटेड एट 600°C। आपने ये, मेरे पास एक लेंटिकुलर लेंस था, ये उसका अपर्चर है, तो इस अपर्चर को अगर मैं बड़ा कर लूँ, ये मेरे पास लेट्स सपोज अपर्चर है, तो इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे हम कोई और लेंस ग्लास का मटेरियल डालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वो पोर्शन डाला और इसको हीट किया 600°C पे, जिससे ये चीज़ यहाँ पे फिट आ गई। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूज्ड लेंटिकुलर। पहले मैं लाइन कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट देता हूँ कि इसमें हम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पोर्शन हमने क्यों डाला। दिस रिड्यूसेज द कम्पोजिट पावर बाई अ लार्ज अमाउंट। पावर कम हो जाती है, द फ्रंट सर्फेस कैन देन बी ग्राउंड टू रिड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ पावर। अच्छा, अब एक टर्म होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई मुझे बता सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्शन से क्या ताल्लुक है स्पेक्टिकल लेंसेज में? कुछ आपने पहले डिस्पेंसिंग ऑप्टिक्स वन में सुना हो या कहीं और किसी से सुना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रोल होता है? कोई कमेंट करना चाहे? अच्छा, बासित इकबाल कह रहे हैं हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मटेरियल का होता है रिफ्रैक्शन ग्रेटर एंगल पे होती है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना इंक्रीज करे ना तो रिफ्रैक्शन उतनी ज़्यादा हो जाती है। अब हम कहते हैं ना कि कॉर्निया की रिफ्रैक्टिंग पावर हमारे पास 43 डायोप्टर है। कॉर्निया कितनी पावर क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे पास कॉर्निया है, लाइट किधर से आ रही होती है, एयर से आ रही होती है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, कॉर्निया का कितना है, 1.376। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो मीडियम में जितना ज़्यादा डिफरेंस हो रिफ्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम एक लेंस का बढ़ा देंगे उसकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसमें क्या होगा, फिर हमें एक तो वो लेंस थिन होगा और दूसरी बात ये होगा उसका कर्वेचर कम हो जाएगा। अभी जो मैंने बोला थिन और कर्वेचर कम हो जाएगा, ये क्या है, ये मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक सादा लेंस है +10 का, इतना थिक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स सपोज के हमारे पास है 1.45। अब मैं कहता हूँ कि यार ये +10 तो बहुत थिक लेंस हो गया, तो इसके लिए क्यों ना हम हाई इंडेक्स ऑर्डर कर दें लेंस। मैंने हाई इंडेक्स करवाया, 1.71 का लेंस ऑर्डर करवा दिया। अब इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया इसकी कंपैरिजन में, तो इसमें रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये भी लेंस जब +10 की पावर में आएगा तो इसमें एक तो कर्वेचर कम होगा, दूसरा ये लेंस थिन होगा, इतना थिक नहीं होगा क्योंकि कर्वेचर कम है। तो हाई इंडेक्स लेंजेज हमेशा थिन होते हैं और उनका कर्वेचर कम होता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं, हाई इंडेक्स वाली?
किसी को अगर नहीं समझ आए तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सर रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, इसको ना पहले आप अपने पास दो तीन लाइनें भी लिख लें, तब और भी आपको क्लियर हो जाएगा, बाद में कभी आप पढ़ें तो आपको आसानी होगी। सारे लिख लें सबके लिए, ये हेडिंग दें हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। हेडिंग दे दिया, उसके नीचे लिखें एज वी इंक्रीज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए स्पेक्टिकल लेंस। सर दोबारा रिपीट करें। एज वी इंक्रीज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए स्पेक्टिकल लेंस द थिकनेस ऑफ लेंस डिक्रीजेस। And the curvature of the lens also decreases. इसके आगे लिखिएगा, this means that if you want to achieve thin lenses in high prescriptions, simply increase the refractive index of the lens. जी अब मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये मेरे पास लेंस है, मुझे पावर इसकी चाहिए +10। मैंने +10 का लेंस बना दिया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.45 था, लेंस इतना थिक बन गया। अब थिक बन गया, मरीज़ को ये पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि ये तो कॉस्मेटिकली अपीरेंस नहीं अच्छी, तो मुझे ऐसे दो जो कॉस्मेटिकली अच्छे लगें। आपने कहा जी लेंजेस महंगे बनेंगे पर हाई इंडेक्स में बन जाएंगे, उसने इन्वेस्ट कर दिया, वो कहते हैं ठीक है बना दें। हाई इंडेक्स में क्या होगा कि जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप बढ़ा देंगे 1.71, तो बेसिकली जो +10 की रिफ्रेक्शन हो रही थी ये एयर से आ रही थी ना, एयर का 1 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और 1.45 था, यहाँ एयर से आ रही होगी 1 होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और यहाँ 1.71, डिफरेंस ज़्यादा है तो रिफ्रेक्शन वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी। रिफ्रेक्शन ज़्यादा होगी तो यहाँ अगर +10 पावर दे रहे थे, यहाँ हो सकता है जो कर्वेचर आपने दिया हो वो +7.5 का दिया हो। ये जस्ट मैं आपको एक आर्बिट्रेरी एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कर्वेचर आपने कम का दिया हुआ है, +7.5 का दिया हुआ है, पर वो पावर कौन सी दे रहा है आपको, +10 की दे रहा है। क्यों दे रहा है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस का ज़्यादा है, एयर और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रेक्शन ज़्यादा हो रही है। तो जब आपने कर्वेचर कम दिया तो लेंस की ऑटोमेटिकली थिकनेस भी कम होगी और लेंस इतना कर्व्ड भी नहीं होगा, उसका कर्वेचर भी कम हो जाएगा। अभी कुछ क्लियर हुआ, या अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं फिर इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। क्लियर है? अच्छा, ये हमारे पास थी टाइप्स लेंटिकुलर्स की, सॉलिड, प्लेनो, सीमेंटेड, प्रोफाइल एंड फ्यूज्ड। ये प्लस की केसेस में थी। अब जब आप माइनस की तरफ जाएं, हाई माइनस पावर लेंसेज, एज माइनस पावर इंक्रीजेज द लेंस शेप बिकम प्लेनो कनकेव और इवन बाय कनकेव टू करेक्ट ऑफ एक्सिस एब्रेजेंस। जैसे जैसे आप माइनस की पावर बढ़ाते हैं आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप लेंस की शेप कैसे रखें, प्लेनो कनकेव रखें या फिर बाय कनकेव रखें। क्यों रखें, जो एब्रेजेंस होती हैं हाई पावर लेंजेस से उसको ख़त्म करने के लिए। एज थिकनेस इज ऑल्सो ग्रेटली इंक्रीज एंड इन मोस्ट एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वेन हाई माइनस लेंजेज आर प्रिस्क्राइब्ड। माइनस का लेंस आपको पता है इस तरह होता है, सेंट्रली थिन होगा और पेरिफेरली वो क्या होगा, थिक होगा। तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी थिकनेस बढ़ने लग जाएगी, एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी ये प्रॉब्लम कि हमें शेप प्लेनो कनकेव या बाय कनकेव करनी पड़ेगी एब्रेजेंस को कम करने, मतलब एब्रेजेंस यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये होता है, पहली चीज़ होती है कि हम सिंपल राउंड फ्रेम यूज़ कर लें। राउंड फ्रेम यूज़ करेंगे तो पेरिफ्री वैसे ही कट जाएगी, तो पहली हमारे पास चीज़ क्या है, राउंड फ्रेम यूज़ कर लें। दूसरा हमारे पास क्या है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ा दें, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ा देंगे तो ये थिकनेस ऑटोमेटिकली
रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस होगी? आपको कर्वेचर कम देना पड़ेगा। तो हाई माइनस पावर लेंजेज में दो तरीके तो ये हो गए इन चीज़ों इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए। पहला क्या कि सिंपली राउंड लेंजेस दे दें। नंबर टू हमारे पास क्या है कि हाई इंडेक्स दे दें। नंबर थ्री ऑप्शन हमारे पास आती है हम लेंटिकुलर डिज़ाइन दे दें। तो माइनस लेंटिकुलर या दूसरा नाम इसका होता है मायो डिस्क डिज़ाइन। दिस आर क्रिएटेड बाई ग्राइंडिंग अवे थिक आउटर एज ऑफ द लेंस ऑन इट्स बैक सरफेस। दिस डिज़ाइन विल हैव ए सेंट्रल बॉल कंटेनिंग द रिफ्रेक्टिव करेक्शन एंड ए पेरिफेरल कैरियर। सिंपली इस डिज़ाइन में यूँ है कि आपके पास हाई माइनस लेंस था, तो आपने बैक सरफेस से जो उसकी थिकनेस थी पेरिफेरल पार्ट से वो कट कर दी। तो ये बेसिकली लेंटिकुलर डिज़ाइन ही बन जाएगा। सेंटर में पावर होगी और कैरियर में कोई पावर खास नहीं होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइनस लेंटिकुलर या मायो डिस्क डिज़ाइन। फिर दूसरी टाइप इसमें कौन सी है लेंटिकुलर में, ब्लेंडेड माइनस लेंटिकुलर डिज़ाइन लेंजेस और ब्लेंडेड मायो डिस्क लेंजेस। जैसे प्लस में हमारे पास प्रोफाइल थे, यहाँ पे ब्लेंडेड वर्ड यूज़ हुआ। दीज आर क्रिएटेड बाई स्मूथनिंग एंड पॉलिशिंग द जंक्शन ऑफ बॉल एंड कैरियर ऑफ माइनस लेंटिकुलर डिज़ाइन टू इम्प्रूव द कॉस्मेटिक अपेयरेंस। अब माइनस में भी लेंस इस तरह बनता है, सेंटर में अपर्चर है और साइड पे कैरियर। तो अब ये बुरा लग रहा होता है तो हम ये डिज़ाइन बना देते हैं कि कुछ इस तरह का हो कि जहाँ भी ये जंक्शन है इसको ख़त्म किया जा सके। इस सरफेस को ब्लेंड कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। उसे हम क्या वर्ड यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, ब्लेंडेड माइनस लेंटिकुलर लेंजेस। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम ये ब्लेंडिंग करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मायो थिनिंग। ये क्यों कर रहे होते हैं, कॉस्मेटिक अपेयरेंस लेंस की बेहतर बनाई जा सके। लेंटिकुलर डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो आगे हम मूव करते हैं। क्लियर है? हेलो जी, स्लाइड दोबारा समझा दें। अच्छा, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं माइनस पावर लेंजेस की ना। पीछे हमने जो टाइप्स देखी है ना, ये हमने प्लस की देखी है, सॉलिड प्लेनो सीमेंटेड प्रोफाइल फ्यूज्ड। इसमें तो पांच टाइप्स थे। माइनस के केस में हमारे पास दो ही होती हैं, एक सिंपल लेंटिकुलर डिज़ाइन है। लेंटिकुलर डिज़ाइन क्या है, ये अपर्चर है, ये कैरियर है। इसको दूसरा नाम क्या डाला हमने, मायो डिस्क। दूसरी हमारे पास ब्लेंडेड माइनस लेंटिकुलर लेंस है, इसी लेंस को ब्लेंड कर दिया है कि ये जो जंक्शन है इसको हम ख़त्म कर सकें ताकि कॉस्मेटिक अपेयरेंस बेहतर हो सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेंडेड माइनस लेंटिकुलर लेंस। और जिस प्रोसेस से ख़त्म करते हैं उसको हम बोलते हैं मायो थिनिंग। तो ये हमारे पास लेंटिकुलर लेंजेस थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसफेरिक लेंजेस। दीज आर यूज टू मेक हाई प्लस ए फिकी ग्लासेस लेंजेज बाई मॉडिफाइंग द लेंस कर्वेचर पेरीफ्री टू रिड्यूस अब्रेजन एंड प्रोवाइड बेटर पेरिफेरल विजन। पहले हमारे पास एक चीज़ आई कि लेंटिकुलर डिज़ाइन आप दे दें हाई प्लस में। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप ए सफेरिक लेंजेज भी दे सकते हैं। ए सफेरिक लेंजेज क्या होते हैं, ये हमारे पास सफेरिकल लेंस है ना, प्लस 10 का हो गया। इसमें यह होगा कि जो पेरीफ्री से रेज आ रही होंगी उनकी यहाँ फोकस पहले हो जाएंगे रेटना से, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सफेरिकल एब्रेजन्स आ रही होंगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने डिज़ाइन ए सफेरिक कर देते हैं कि सेंटर में तो कर्वेचर उसका ग्रेटर होता है, पेरिफ्री की तरफ वो फ्लैट होता जाता है ताकि पेरिफ्री की तरफ इतनी रिफ्रेक्शन ना हो। इस डिज़ाइन को हम क्या कहेंगे, ए सफेरिक डिज़ाइन। ए सफेरिक क्या है, ये एक सफेरिकल सरफेस है जो नॉर्मली लेंस होते हैं। नॉर्मल स्फेरिक सरफेस से हम इसको हटा दें, पेरिफ्री को हम फ्लैट कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्फेरिक लेंजेस। बहुत सादा ज़ुबान में बताऊं तो सेंटर में कर्वेचर है, पेरिफ्री जैसे जैसे आप जाएंगे प्रोग्रेसिवली फ्लैटर होती जाएगी। फ्लैटर क्यों होगी, ताकि जो रेज पहले फोकस हो रही हैं जिससे स्फेरिकल एब्रेजन्स वगैरह हो रही हैं उसको ख़त्म किया जा सके। ये हमारे पास एस्फेरिक लेंजेज होते हैं और हम किस में यूज़ करते हैं, हाई प्लस एफेकिक लेंजेज में। इसकी अब तीन टाइप्स होती हैं एसेफेरिक लेंजेस की। नंबर वन क्या है, एसेफेरिक लेंटिकुलर लेंस डिज़ाइन, डिक्रीजेज लेंस थिकनेस बाय डिक्रीजिंग यूजेबल साइज ऑफ लेंस। ये होता है कि एसेफेरिक और लेंटिकुलर डिज़ाइन को आप मिक्स कर दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसेफेरिक लेंटिकुलर डिज़ाइन। इसमें देखें, ये हमारे पास ये जो है ये एसेफेरिक लेंटिकुलर डिज़ाइन है कि आपने जो सरफेस तो हमारे पास एसेफेरिक ही है जैसे ये आपको नज़र आ रही है, पर उसे लेंटिकुलर में कन्वर्ट कर दिया, ज़्यादा पावर सेंटर में डाल दिया और पेरिफेरल एज अ कैरियर बना दिया। तो इसको हमने क्या बोला कि एसेफेरिक लेंटिकुलर है, लेंटिकुलर पर सरफेस
सामने वाली और पीछे वाली एसेफेरिक होगी है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एसेफेरिक लेंटिकुलर। ये पहली टाइप थी हमारे पास। दूसरी टाइप क्या है, एसेफेरिक ब्लेंडेड लेंटिकुलर। ये अगेन ब्लेंडेड आ गया, जैसे हमने पहले देखा है कि बीच में सरफेस को ब्लेंड कर दें ताकि वो हमें गैप कैरियर में और अपर्चर में ना नजर आए। अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन कैरियर एंड ऑप्टिकल पार्ट, ये हमारे पास ब्लेंडेड आ गया कि ये जो यहाँ पे आपको कर्व नज़र आ रहा है सिग्निफिकेंट, इसको ख़त्म किया जा सके, ब्लेंड कर दिया जा सके कि लेंस आपको एक ही लगे। तो इसको हम कंटिन्यूस एसेफेरिक भी कहते हैं या फिर हम इसको एसेफेरिक ब्लेंडेड लेंटिकुलर डिज़ाइन भी बोलते हैं। थर्ड जो इसमें हमारे पास टाइप है, दैट इज फुल फील्ड लेंस डिज़ाइन। इसका बहुत एसेफेरिक फ्रंट सरफेस होता है और कोई हमारे पास कैरियर नहीं होता, मतलब ये टोटल लेंस पूरा ही एसेफेरिक होगा, कोई लेंटिकुलेशन वाली चीज़ इसमें नहीं होगी। ये एग्जांपल देखें, जैसे इसमें कोई कैरियर नहीं है, सिंपल एक लेंस है, पर ये हमारे पास स्फेरिकल का बताया हुआ है, पर ये सरफेस कौन सी होगी, ए स्फेरिकल होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, फुल फील्ड ए स्फेरिकल लेंस, जिसमें हमारे पास कोई कैरियर नहीं है। अगेन इसकी तीन टाइप्स को रिवाइज कर लेते हैं। ए स्फेरिक लेंसेज तीन टाइप्स के, पहला है ए स्फेरिक लेंटिकुलर डिज़ाइन। ए स्फेरिक लेंस है, उसको लेंटिकुलर डिज़ाइन में बना दिया, या लेंटिकुलर लेंस ले लिया, सरफेस उसकी एसेफेरिक बना दी, तो क्या बन गया हमारे पास, एसेफेरिक लेंटिकुलर डिज़ाइन। नंबर टू हमारे पास क्या है, एसेफेरिक ब्लेंडेड लेंटिकुलर डिज़ाइन, जो उसमें जंक्शन था उसको स्मूथ बना दिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एसेफेरिक ब्लेंडेड लेंटिकुलर डिज़ाइन। थर्ड क्या है, फुल फील्ड लेंस डिज़ाइन, जिसमें कोई कैरियर है नहीं, पूरा का पूरा सिर्फ एसेफेरिक लेंस है। तो ये तीन टाइप्स थी हमारे पास एसेफेरिक लेंसेज की। नेक्स्ट एफेकिक लेंसेज। अब हमने पीछे देखा एफेकिक में लेंटिकुलर लेंस भी दे सकते हैं, स्फेरिक भी दे सकते हैं, तो अब मेन उसकी समरी क्या है, अगर एफेकिक लेंसेज की आपने करेक्शन दी, +10 +12 दे रहे हैं, तो अब लेंस कैसा बनाएं, अ कम्बिनेशन ऑफ एसेफेरिक डिज़ाइन कौन सा लाएं, एसेफेरिक लाएं, और साथ बेस कर्व कौन सा चूज़ करें, फ्लैट बेस कर्व चूज़ करें। फ्लैट कैसे, हमारे पास एक 1.25 था पेरिस्कोपिक में और दूसरा हमारे पास डीप मेनिस्कस में 6 था, इसमें से फ्लैट कौन सा होगा, 1.25 होगा या 6 होगा, कोई गैस करना चाहे, फ्लैट बेस कर्व कौन सा है, 1.25 है या 6 है, अच्छा इन्होंने 6 कहा है। याद रखिएगा, फ्लैट हम उसको कहते हैं जिसमें पावर कम हो, क्योंकि अगर आप 6 की बात करेंगे, 6 का कर्वेचर हो सकता है इतना हो, 1.25 है, जरा सा कर्व्ड होगा, तो लेस फ्लैट बेस कर्व इसमें से कौन सा है, 1.25। पावर जितनी कम हो बेस कर्व उतना फ्लैट होता है, पावर जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा लेंस को हम स्टीप की तरफ बनाते हैं। तो इधर फ्लैट कर्व से उसका मुराद ये है कि आप हाई इंडेक्स लेंसेज यूज़ कर लें, उसमें आपको कर्व कम देना पड़ेगा तो वो बेस कर्व होगा, एक तो वो चीज़ है। दूसरी ये है कि अगर पेरिस्कोपिक और डीप मेनिस्कस में आपने पूछा जाए तो आप किसके साथ जाएंगे, पेरिस्कोपिक के साथ जाएंगे, इसमें फ्लैट बेस कर्व है। तो हम एसेफेरिक डिज़ाइन करें और हम फ्लैट बेस कर्व करें, तो इससे क्या होता है, लेंस की थिकनेस कम होती है, नंबर टू वेट कम होता है शीशों का, और मैग्नीफिकेशन जो होती है वो भी कम होती है रिलेटिव टू स्फेरिकल डिज़ाइन। तो जब भी आपके पास मरीज है जो +10 +12 की ग्लासेस बना रहा है, आप नीचे प्रिस्क्रिप्शन कार्ड के लिख सकते हैं, भाई एस्फेरिक लेंस बनाइएगा, ऊपर प्रिस्क्रिप्शन तो +10 ही लिखेंगे, नीचे लिख दें एस्फेरिक डिज़ाइन में बनाएं, फ्लैट बेस कर्व यूज़ करें, साथ ये लिख दें ताकि ऑप्टिशन उसके अकॉर्डिंग बनाए। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब लेंस बन के आएगा उसकी थिकनेस कम होगी, नंबर टू उसका वेट कम होगा, मरीज को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी एडजस्टमेंट से, और जो मैग्नीफिकेशन होती है चीज़ें जो बड़ी उससे नज़र आती हैं स्फेरिकल डिज़ाइन में, वो रिलेटिवली कम हो जाएंगी। तो ये मेन समरी थी पिछली चंद स्लाइड्स की। नेक्स्ट जो लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन है वो लेंस की है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंस शेप्स। लेंस शेप होता क्या, लेंस शेप रेफर टू आउट लाइन ऑफ द लेंस पेरिफ्री विद द नेजल साइड एंड द हॉरिजॉन्टल इंडिकेटेड। ये आउट लाइन है लेंस पेरिफ्री की, ये मेरे पास अगर एक लेंस है तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये रेक्टेंगुलर लेंस है, कि इसमें हमने आउट लाइन इंडिकेट की हुई है कि इस शेप में लेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, लेंस शेप। लेंस शेप के बेसिस पे हमने कितने लेंस की टाइप्स है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल शेप्स, पेरीमेट्रिक शेप्स, अपसेट शेप्स, रिमलेस और एंगुलर शेप्स, या फिर हाफ आई शेप्स। अब इन पांच शेप्स को हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स में नंबर वन हमारे पास आता है राउंड लेंस। लेंस कैसा होगा, इस तरह सिंपली राउंड होगा, गोल जिसे कहते हैं। नंबर टू इसमें हमारे पास होता है ओवल, जिस तरह एग होता है उस शेप में होगा, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होगा बल्कि इस तरह ओवल होगा। थर्ड हमारे पास आता है पेंटोस्कोपिक राउंड ओवल, जिसे पीआरओ भी बोलते हैं।
इसमें क्या है, लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज सर्कुलर वाइल अपर हाफ इज एन इक्लिप्स, मतलब ऊपर वाली शेप उसकी ओवल होगी और जो नीचे वाली है वो बिल्कुल सर्कुलर होगी। ये यहाँ मैं सही ड्रॉ तो नहीं कर पा रहा, अगर ये बोर्ड हो तो मैं ज़्यादा क्लियर बता सकता हूँ। खैर अभी आप कॉन्सेप्ट ही ले लें, राउंड लेंस बिल्कुल गोल होगा, ओवल लेंस जो एग शेप होगा, पेंटोस्कोपिक राउंड ओवल, ऊपर से वो मतलब ओवल शेप है और ऊपर से राउंड है सॉरी, और नीचे से वो ओवल शेप है। तो ये तीन टाइप्स किस में आती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स में आती हैं। नेक्स्ट एक बात अपने साथ लिख लें कि जब सिलेंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन हो तो हम राउंड लेंस कभी भी नहीं देंगे, इसको लिख लें अपने पास, नेवर प्रिस्क्राइब राउंड लेंजेस इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा आप कोई बताना चाहेगा कि क्यों राउंड नहीं देंगे? जी नहीं लिखा, लिखे राउंड लेंसेस शुड नेवर बी प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शंस। आप कोई बताना चाहेगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि राउंड शेप में लेंस ना दें सिलेंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन में? कोई वैसे गैस करना चाहे? सिलेंड्रिकल लेंस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? एक इमेज लाइन फॉर्म इन सिलेंड्रिकल लेंस। अच्छा ये तो उसका करेक्टरिस्टिक हो गया ना, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कि क्यों हम राउंड लेंस, वो तो शेप है ना, चाहे बेशक आप गोल शेप में सिलेंड्रिकल लेंस दे दें, वो बनाएगा तो लाइन इमेज, मरीज को तो सही दिखाई देगा। हम इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, डिस्पेंसिंग ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि आप सर्कुलर ना दें। रीज़न इसमें यह है कि सिलेंडर के स्पेसिफिक एक्सेज होते हैं, लाइक 90 एक्सेज हैं, आपने 90 एक्सिस पे ये उसको राउंड फ्रेम में लेंस लगा के दे दिया। अब ये लेंस हो सकता है फ्रेम थोड़ा सा लूज़ हो जाए विद टाइम, ये लेंस रोटेट कर सकते हैं। अगर ये रोटेट करेगा उसके एक्सिस ज़रा भी 10 डिग्री भी इधर से उधर हो जाएं, जैसे इधर एक्सिस आ जाएं, तो मरीज़ को नज़र सही नहीं आएगा, वो कंप्लेन करेगा कि आपने ग्लासेस सही नंबर की नहीं दी। तो इसलिए राउंड लेंजेज जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल की केसेस में आप नहीं देते। अब अगर ये शेप है रेक्टेंगुलर लेट्स सपोज, तो उसको तो बेशक मैं 90 एक्सिस लगा दूं, अब ये लेंस तो कभी भी रोटेट नहीं करेगा, इसकी शेप ही ऐसी है, तो राउंड लेंस रोटेट कर सकते हैं। इसलिए सिलेंड्रिकल की केसेज में आपने राउंड लेंस कभी एडवाइस नहीं करने। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स तीन तरह की थी, राउंड लेंस, ओवल लेंस एंड पेंटोस्कोपिक राउंड ओवल। नेक्स्ट है पेरीमेट्रिक शेप्स। पेरीमेट्रिक जैसे पेरीमेट्री से निकला है, जो हमने उस दिन डिस्कस एक डेफिनेशन डिस्कस की थी लोवियन में विजुअल फील्ड की, द शेप ऑफ दिस लेंस इज रिजेंबल द मोनोकुलर फील्ड ऑफ विजन। मैंने आपको मोनोकुलर फील्ड ऑफ विजन ड्रॉ करके बताया था कैसे होता है, उस तरह की शेप होती है, तो उसी के से इनको नाम दे दिया पेरीमेट्रिक शेप्स। तो इसकी दो टाइप्स हमारे पास होती हैं, एक राउंडेड काउंटर होता है और एक स्क्वेयर काउंटर। राउंडेड का मतलब होगा कि जो साइड्स हैं पेरीफ्री से वो इस तरह राउंड होंगी शीशे की, यूँ राउंड, और स्क्वेयर से मुराद होता है कि वो बिल्कुल स्क्वेयर की फॉर्म में होंगी इस तरह। तो ये हमारे पास थी पैरामेट्रिक शेप्स। नेक्स्ट है हमारे पास अपस्वेप्ट शेप्स। दीज रेफर टू शेप विद द स्लोप अपवर्ड्स टुवर्ड्स टेम्पल। टेम्पल होता है ये, अगर मेरे पास कोई फ्रेम है तो टेम्पल हम ये कहते हैं जो साइड पीसीज होते हैं, इसको टेम्पल बोलते हैं इस पोर्शन को। तो ये फ्रेम ऐसे होते हैं, लेंजेज ऐसे होते हैं कि शेप कुछ इस तरह की होती है, ऊपर की तरह मूव हुए हुए होते हैं टेम्पल की तरफ, इन्हें हम क्या बोलते हैं अपस्वेप्ट शेप्स। जैसे आपने वो स्पाइडरमैन अगर मूवी देखी हो, जैसे उसकी वो नहीं आंखें उन्होंने बनाई होती, उस शेप में जो अगर शीशा होगा उसको हम क्या कहेंगे अपस्वेप्ट शेप्स। नेक्स्ट है रिमलेस और एंगुलर। इसको रिमलेस भी कहते हैं एंगुलर। रिमलेस ये होता है, ये मेरे पास अगर एक शीशा है स्पेक्टिकल में, तो इसके इर्द गिर्द जो फ्रेम होगा लेंजेज के इर्द गिर्द, उस इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेसिकली रिम बोलते हैं। तो रिमलेस वो होंगे जिस जिन स्पेक्टिकल फ्रेम्स में ये रिम्स नहीं होते, जिसको हम थ्री पीस बोलते हैं। तो उसमें जो हम लेंजेज यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं रिमलेस शेप्स के लेंजेज हैं या एंगुलर शेप्स के। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है हाफ आई शेप्स। दीज लेंजेज आर मेंट टू इंजॉय टू इनेबल द वियरर टू यूज़ अ करेक्शन फॉर नियर विजन ओनली एंड एंजॉय अ यूजेबल फील्ड ऑफ डिस्टेंस विजन ओवर द टॉप। अब जैसे कि कोई टीचर हो गया, कोई क्लर्क हो गया, कोई डेस्क की कोई ऑफिस जॉब करता है जिसने नियर में भी देखना होता है और डिस्टेंस में भी देखना होता है। अब वो डिस्टेंस में है ई मेट्रो, उसे कोई नंबर नहीं लगता। नियर में हो सकता है वो +1 का प्रेस बाय ओप हो,
अब उसके लिए बड़ा मसला होता है कि नियर में अगर कोई काम कर रहा है तो ग्लासेस पहन के देखे, कोई दूर उसको बुलाए उसकी तरफ देखे फिर ग्लासेस उतार के देखे। तो ऐसे लोगों के लिए हमने कैसी शेप्स निकाली हैं, हाफ आई शेप्स लेंजेस। ये लेंजेस ऐसे होते हैं कि अगर फुल हमारे पास लेंस मतलब स्पेक्टिकल्स इतनी होती हैं, तो ये मैं इसका आंसर करता हूँ अभी पेरीमेट्रिक के, पहले मुझे पूरा करने दें। हाफ आई शेप्स, हाफ आई ये होता है कि अगर इतना हमारे पास फ्रेम है तो वो लेंजेस इतने होते हैं, नीचे वाली साइड पे होते हैं, मतलब उनका साइज़ ही इतना कम होता है कि अगर वो उसने पहने हुए भी हों तो वो सामने से क्लियर देख सकते हैं। उसने डिस्टेंस से देखना है सामने देख ले, नियर में देखना है तो वो नीचे वाले पोर्शन से देख ले। इसको हम क्या कहते हैं, हाफ आई शेप्स या हाफ आई बोलते हैं। तो ये हमारी शेप्स पूरी हो गई। यहाँ कोई पूछ रहा है कि पेरीमेट्रिक शेप का विजुअल फील्ड से क्या ताल्लुक है। पेरीमेट्रिक उन्हें नाम ही ऐसा दिया गया है कि उसका डिज़ाइन हमने विजुअल फील्ड जैसे हमारी होती है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऊपर से 50 होगा, इधर 60, 70, 90, तो कुछ शेप इस तरह की बनी थी विजुअल फील्ड की नॉर्मली। तो उन लेंजेस की शेप इस तरह की होती है, तो वो शेप रिजेंबल किससे कर रही होती है, मोनोकुलर फील्ड ऑफ विजन से। तो उसका नाम हमने डाल दिया पेरीमेट्रिक शेप। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल बंदे की पेरीमेट्री करें तो कुछ इस शेप की लेंस बनता है, या इस शेप की हमारे पास कॉन्फिगुरेशन आती है। तो इस शेप के लेंजेस को हमने नाम डाल दिया पेरीमेट्रिक लेंजेस या पेरीमेट्रिक शेप।